सुबह हो या शाम हो, बस हाउसवाइफ की जो शाम गुजरती है या सुबह होती है वो किचन से ही होती है। चलिए आ गई हूँ मैं किचन में और आज का डिनर रूटीन शेयर करूँगी। मटर पनीर लेकर आई हूँ साथ में। मटर पनीर तो सभी की फेवरेट होती है और सभी के घरों में बनती है और हर एक तरीके से सभी की फेवरेट भी होती है। चलिए होटल वाली ग्रेवी आज बनाएंगे घर में बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स के साथ। मतलब मटर पनीर ट्राई करेंगे लेकिन एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी और वही स्वाद होटल वाला आप मिनटों में घर पर लेकर आओगे और मटर पनीर का ये स्वाद बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने मटर ले लिया और अंदाजा से ही मैं मटर ले रही हूँ। यहाँ पर करीब इतना ले लिया है, ये 200 ग्राम के करीब होगा, 200 से सवा 200 ग्राम होगा। फ्रोजन मटर है, इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करके गुनगुने मतलब हल्का सा उबाल लूंगी। 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैं उबाल लूंगी जिसके मटर ये सॉफ्ट हो जाए और हमारी ग्रेवी बहुत शानदार बने। हल्का सा नमक डाल दिया है। चल यहाँ पर आज मैं रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट भी लेकर आई हूँ, साथ में 3 प्याज 3 टमाटर ले लिया है और पनीर के पैकेट्स हैं जो 200 ग्राम के 2 पैकेट हैं और बाकी तैयारियां मैं करती जा रही हूँ। साथ में यहाँ पानी ले रही हूँ डब्बे में, एक बर्तन में जो प्याज वगैरह काट के मैं उसमें डाल दूंगी। क्या होता है ना, अक्सर प्याज वगैरह काटो तो आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन अगर प्याज को छील कर 2 टुकड़ों में काट कर अगर आप पानी में डाल दोगे तो उसकी झरार जो होती है ना, मतलब जो आंखों में पानी आ जाता है वो नहीं आएगा। तो प्याज और टमाटर मैंने साइड में रख दिया था और प्याज को इस तरह से मैं रफली चॉप कर ले रही हूँ। हाँ, हम प्याज को फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, एक दरदरा पेस्ट बनाएंगे। बीच बीच में मेरा बच्चा यहाँ आ भी रहा है और कुछ बातें भी हम करते जा रहे हैं। जिंदगी की एक शुरुआत, एक शाम, एक नई उम्मीद के साथ बस एक नई रेसिपी, कुछ नयापन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो जरूर पसंद आएगी पूरी उम्मीद है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने ट्राई की, आपके फैमिली में क्या रिस्पॉन्स रहा। चलिए यहाँ पानी ले लिया है बर्तन में, पनीर को बिना मैं काट कर मन चाहे पीसेस में यहाँ हम रख लेंगे, पानी में डाल देंगे। इससे क्या होता है ना, ठंडे पानी में अगर आप पनीर को रख देते हो पनीर सॉफ्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज के पीसेस काट रही हूँ और इस तरह से हाथ पे ही रखकर काट रही हूँ। हाँ, आप चॉपिंग बोर्ड ले लेना, इस तरह हाथ पर ट्राई मत करना। मेरा जो चाकू है ना ये ज्यादा तीखा नहीं है, यानी ज्यादा तेज नहीं है, तो आराम से मैं काट ले रही हूँ और संभाल कर काट रही हूँ। आप इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर आराम से रखकर इसके मनचाहे पीसेस कर लेना। तो इस तरह से इतने बड़े बड़े पीसेस मैंने कर लिए हैं और दूसरा जो पैकेट का पनीर था उसको भी मैंने यहाँ पर इस तरह से काट लिया है और सभी पनीर को मैं पानी में रख दे रही हूँ। दूसरी तरफ मटर भी उबल रहे हैं और लगभग लगभग सारी तैयारी मेरी हो चुकी है और बहुत ही शानदार रेसिपी बनी है जो होटल की ग्रेवी को, मास्टर ग्रेवी को भी टक्कर देने वाली है। चलिए पनीर देखिए काट लिया, मटर को भी मैंने चेक कर लिया, मटर फिलहाल बहुत अच्छी तरह से उबल चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, इस तरह से मैंने हाथ से दबाकर देख लिया है। फिलहाल मटर गर्म थे, ये देखो अब इसको मैं साइड में रख दूंगी। रखते हैं कढ़ाई और अपनी रेसिपी की करते हैं शुरुआत। कढ़ाई गर्म हो गई है, बस देखिए ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ये है सुहाना का मसाला, यानी चिकन मसाला है। आप इस तरह से किसी भी ब्रांड का मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये मसाला ना थोड़ा स्ट्रांग होता है और इसका टेस्ट ना ग्रेवी में बहुत जबरदस्त आता है। तो तेल गरम हुआ था, मैंने 2 चम्मच तेल गरम किया, जीरा और तेजपत्ता डाला था और कोई खड़े मसाले नहीं डाले। साथ में जो प्याज दरदरा पीसा था ना मैंने वो डाल दिया है। अब क्या है, बस प्याज की करेंगे हम भुनाई। लगातार चलाते हुए प्याज को हल्का हल्का लाल कर लेना है। जैसे जैसा प्याज भुनोगे ना प्याज का कलर चेंज हो जाता है। और देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा प्याज ना रफली ही मैंने पीसा है, थोड़ी सी हींग डाली है, ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। चलिए प्याज को इस तरह से मैंने भून लिया है, अच्छी सी खुशबू आ रही थी और जब प्याज एकदम कलर चेंज कर दिया ना, क्वांटिटी में भी कम हो गया था, यानी इसका पानी जो था ना मॉइस्चर सूख चुका था। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, उसे भी अच्छी तरह से 2 मिनट के करीब भून लिया है। और इस तरह से अच्छी तरह से हम भून लेंगे प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को। ये देखो बस 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, ये भी अच्छी तरह से भून जाएगा।
अब यहीं पर 2 चम्मच भरकर मैंने मसाला डाल दिया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और कोई मसाला नहीं डाला है। हाँ, आपको अगर थोड़ा तीखा पसंद हो तो हल्की सी मिर्च यहाँ पर पिसी हुई मिर्च डाल सकते हो, लेकिन इस मसाले में मिर्च वगैरह सब कुछ होती है तो मैं नहीं डाल रही हूँ। हल्का सा मसाले को भुना है 1 मिनट धीमी आंच पर, साथ ही 1 चम्मच पानी ऐड किया था जिससे मसाले हमारे सूखे हैं, जले नहीं। बस 1 चम्मच पानी डालने के बाद फिर से इसे मैंने भुना है। हाँ, जितना ही आप मसाले को धीमी आंच पर भुनोगे ना, जितना ही ये तेल रिलीज करेगा उतना ही टेस्टी आपका ग्रेवी बनने वाली है। तो चलिए, जैसे ही मसालों में एक अच्छी खुशबू है, मैंने पिसे हुए टमाटर भी यहाँ डाल दिए, साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और इसे भी अच्छी तरह से मिला लिया है। बस यहाँ पर 1 चम्मच इस तरह से, जो एक खाने वाला चम्मच होता है ना, उसे 1 चम्मच टमाटो सॉस डाला है। ऑप्शनल, आप यहाँ पे हनी भी डाल सकते हो, चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस टमाटर का थोड़ा सा टेस्ट जो होता है ना, बैलेंस हो जाता है। अगर टमाटर में खटास होती है ना हल्की फुल्की, तो वो चली जाती है। चलिए, उसे मिलाने के बाद मैंने मिक्सर जार में 1 कप पानी लिया था, उसे मिलाकर यहाँ डाल दिया है। टमाटर को अच्छी तरह से हम पकने देंगे, इस तरह से देखो। अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम टमाटर को अब 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे। ये देखो, जब ऐसे ऐसे बुलबुले आने लगे ना, तो बस उस स्टेज पे मैंने यहाँ कसूरी मेथी डाल दी है और उसे अच्छी तरह मिला दी है, ये देखो इस तरह से। और टमाटर जब हमारे पकेंगे ना, तो मॉइस्चर सूख जाएगा ऊपर से, मतलब एक जाली से दिखने लगती है और तेल रिलीज हो जाता है साइड साइड से। बस यही पहचान होती है टमाटर पकने की। ऊपर से देखो सब दिख रहा होगा, तेल सेपरेट हो रहा था। बस यहीं पर मैंने जो मटर उबाले थे ना, पानी के साथ ही डाल दिया था, गुनगुना पानी था साथ में डाल दिया है। और ये देखो, अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिला दिया है। हाँ, आपको यहाँ पर और पानी डालना तो डालना, वरना इतने ही स्टेज पे आप रख सकते हो। तो मैंने धीमी आंच पर उसे मटर को पकने के लिए रख दिया था ग्रेवी के साथ, साथ ही मैं यहाँ और भी काम कर रही हूँ अपने, तो हरा धनिया बारीक बारीक मैंने साथ के साथ काट लिया था। बस मुझे अपनी चॉपिंग बोर्ड, अपना किचन बहुत याद आ रहा है फिलहाल। काफी दिक्कत होती है कि अपना किचन छोड़कर अगर हम दूसरे किचन में काम करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मटर भी पक चुका था, ये देखो किस शानदार ग्रेवी बनकर तैयार हो गई थी। इसी स्टेज पे आप चाहो तो पनीर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा रही हूँ क्योंकि हमारे घर में लोग ज्यादा हैं और उसी हिसाब से मैं ग्रेवी थोड़ी राइस के साथ खाने के लिए रख रही हूँ। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी और ऐड किया गुनगुना और उसे भी अच्छी तरह से उबाल लिया है। ये देखो, ग्रेवी में शानदार उबाल आया है, पनीर ऐड कर दिया है। मतलब ग्रेवी को मैंने 4 से 5 मिनट पकने दिया, उसके बाद पनीर ऐड किया। पनीर डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। पनीर डालने के बाद मैं ज्यादा देर नहीं पकाती हूँ क्योंकि पनीर ना सॉफ्ट रहता है, ज्यादा हम पकाएंगे तो पनीर थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये देखो, इतनी पतली ग्रेवी, इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी मैं, और जैसे ही ग्रेवी पकेगी ना, ये थोड़ी थिक भी हो जाएगी। चलिए, ये देखो दूसरी तरफ रोटियां भी बन रही थी मेरी, पराठा बनाया है आज मैंने। लच्छा पराठा की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो ये थोड़ी सी क्रीम थी मैं लेकर आई हूँ, क्रीम नहीं है तो आप थोड़ा सा दूध, जैसे पानी की जगह थोड़ा दूध ऐड कर देना, या मलाई है आपके पास तो मलाई ऐड कर मलाई ऐड कर देना। चलिए, मलाई को अच्छी तरह से मिलाया मैंने, और इस तरह से मिलाने के बाद देखो ग्रेवी का कलर भी देखो कितना अच्छा आया है ना। बस आपको जितनी थिक रखनी है उतनी थिक रखना ग्रेवी। हाँ, बस अब मैं इसी स्टेज पे ना बस 1 मिनट और इसे पकाने के बाद बंद करूंगी क्योंकि ठंडी होगी ग्रेवी, थोड़ी थिक भी हो जाएगी। इसे आप राइस के साथ, पूरी पराठे नान के साथ दोपहर में, लंच में, डिनर में एंजॉय कीजिए, आराम से बनाइए। हाँ, बनाएंगे तो तारीफ के हकदार जरूर बन जाएंगे। चलिए, मेरी हरा हल्का सा हरा धनिया डाला और मेरी ग्रेवी आज की, मतलब मेरी रेसिपी हो चुकी है तैयार। ये देखो, देखने में जितनी अच्छी है ना, खाने में उतनी ही उससे ज्यादा टेस्टी बनी है। तो ये मेरा लच्छा पराठा, मैं थोड़ा मक्खन लगा के सेक रही हूँ। अब घी लगाकर सेको, ऑयल लगाकर सेको, जो भी आपको पसंद है उस तरह से सेकना। मैं दोनों तरफ से इस तरह से लाल सेक ले रही हूँ, यानी एकदम लाल कर ले रही हूँ। बस आज लच्छा पराठा और मटर पनीर साथ में सर्व करूंगी। राइस भी बने थे शाम को, मैंने थोड़े राइस भी बना लिए थे। तो पराठा हो चुका है तैयार, तो ये देखो गर्मा गर्म पराठा, और लच्छे भी खुल रहे हैं किस तरह से, आराम से पराठा बन चुका है। और बस थोड़े से और पराठे मैं बनाऊंगी। मक्खन में सेकने पे ना इसका कलर बहुत सुनहरा सा आता है, घी या मक्खन में अगर हम सेकते हैं तो कलर बहुत प्यारा लगता है पराठों का। ये देखो, अच्छी तरह से दोनों तरफ से मैंने इसे सेक लिया है, क्रिस्पी कर लिया है, और इसी तरह से और पराठे में मैं सेक ले रही हूँ। बस काफी दिनों के बाद इस तरह से आज की पूरी डिनर की थाली आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं दोनों तरफ से इस तरह से पराठे सेक रही हूँ बारी बारी की। आप इस नान के साथ, हाँ, वीट फ्लावर की रोटियां बनाइए, मैदे की रोटियां बनाइए, आप इसे बेसन की रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो ये देखो पराठा बनके तैयार हो चुका है। चलिए,
देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही मजा आ रहा है। और लगाते हैं आज की प्लेट, तो गर्मा गर्म मटर पनीर बन चुका है, रेडी हो चुकी है हमारी रेसिपी आज की। ये देखो देखने में कितनी प्यारी लग रही है ना, ये देखो बस मटर पनीर बनकर तैयार हुआ। ये मैंने सर्व कर दिया है, साथ में रखूंगी पराठे गर्मा गर्म, थोड़ा सा सैलेड के रूप में यहाँ प्याज रखूंगी, हरी मिर्च, बस थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर दिया है और तैयार हो गई है आज के डिनर की प्लेट। तो आइए एंजॉय कीजिए मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ मटर पनीर की ये रेसिपी पराठों के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।